नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस की हार के बाद हार्दिक पंड्या के बारे में क्या बोले फैंस, एमआई वर्सेस जीटी। तो चलिए दोस्तों, अब लाइव देख लेते हैं फैन क्या बोले। हमने सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो स्टेडियम था अहमदाबाद का, जब वहां की ऑडियंस बाहर आ रही थी, उस समय जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्या आपको आंसर मिला वो आप सुन लीजिएगा। वीडियो बहुत छोटा है, आशा करेंगे आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। क्या मस्त था वो, मजा ही आ गया। फिर जो हार्दिक पंड्या थे गुजरात टाइटंस के पिछली बार कैप्टन थे, वो गद्दारी का जवाब मिल गया है। क्या है हार्दिक पंड्या के बारे में? क्या हार्दिक पंड्या अच्छा है, वो भी काफी, उनकी भी जो बल्लेबाजी थी काफी शानदार रही और उनकी भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। ये हार जो है वो हार्दिक पंड्या के नाम की जाएगी, जिस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो रहा है, क्या रहेगा? सर वो तो अब उनके ऊपर है, मैं कुछ इस पे नहीं कह सकता क्योंकि एज ए मैं दर्शक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात टाइटंस, और मैं राशिद खान को सपोर्ट करता था और राशिद खान बहुत अच्छे परफॉर्म हुए। आज विकेट तो नहीं ले पाए वो, बट उन्होंने काफी अच्छे वो एक कैच उन्होंने पकड़ा जो कि काफी बेहतरीन था। सर आपका नाम और परिचय? मैं बड़ौदा से हूँ, जयमीन पटेल। हम गुजरात टाइटंस की ओर से आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो जीते आज, और हमें अच्छा लगा कि हार्दिक पंड्या ने जो किया और वो हारे है वो टीम, तो सबसे बढ़िया वाला है, हम उसको छपरी बोलेंगे, हार्दिक छपरी। रोहित शर्मा रहता तो वो बढ़िया रहता, हम गुजरात वाले हैं तो गुजरात टाइटंस जीता तो बहुत बढ़िया लगा है। शुभम गिल ने बहुत अच्छे से बढ़िया। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ, मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, आपकी मैच के बारे में क्या कहेंगे और क्या टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट तो जब रोहित शर्मा आउट हो गया मेरे को लगा, तभी थोड़ा मैच घूम गया। वैसे मैं तो विराट कोहली का फैन हूँ, लेकिन मैच जो भी है, क्रिकेट लवर है तो क्रिकेट देखते थे, अब क्या है। पहले ऐसा लग रहा था मैच है मुंबई इंडियंस आराम से जीत जाएगी, मैच के बारे में मेरा ये है, जब जैसे ही वो ब्रेविस आउट हो गया और रोहित शर्मा आउट हो गया, वही क्रूशियल पॉइंट था। ऐसा कुछ ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से गुजरात को लक साथ दे दिया, वो अच्छा खेल रहे थे, फॉर्म में थे, मेरे हिसाब से इसीलिए मैच जीत गए, वरना कैप्टनसी इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को शुभमन गिल का। मेरे को लग रहा है मुंबई इंडियंस को जो अभी जो कैप्टनसी का चेंज हुआ है, थोड़ा दिक्कत हुआ है उनको बैलेंस करने में और लोगों को मतलब सेट होने में थोड़ा वो दिक्कत हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये धीरे धीरे मैच खेलेंगे, अपने बीच में तालमेल बैठाएंगे तो हो जाएगा सब कुछ। ये तो पूरी वर्ल्ड कप जीतने जैसी खुशी लोग वहां पे मना रहे थे ऐसा लगा। हालांकि फैंस ने बहुत कुछ नहीं कहा है वहां से जो बाहर में देख के आए वो, मतलब दोनों पल रहे एक ही समान रखे, ना हार्दिक को कुछ कहा ना रोहित को कुछ कहा। और मैच में देखो ये बहुत कुछ, अभी आप सोशल मीडिया में जाओगे तो हार्दिक पंड्या जो रोहित शर्मा को बाउंड्री पे भेज रहे हैं, रोहित शर्मा पूछ रहे कि भाई मैं जाऊँ मैं, ऐसा मतलब आप क्या मेरे को बोल रहे हो ऐसा हार्दिक पंड्या, तो हार्दिक बोल रहा है मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आप बाउंड्री पे मतलब वहां पे रहो, वहां से किसी और जगह पे भेज। तो ये जो फैन को है वो अच्छा नहीं लगा। हालांकि ये तो लोग मानते हैं कि रोहित शर्मा जो है बाउंड्री के फील्डर नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, तो वहां पे लोगों को ये लगा कि हार्दिक पंड्या ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। और क्यों? क्योंकि फैन को पता है कि रोहित शर्मा जो है वो बाउंड्री पे फील्डिंग कभी नहीं करते, ये हमने भी देखा है। और दूसरी बात, गुजरात वालों ने जो कहा है कि भाई कि हार्दिक पंड्या को ऐसा लगा कि भाई मेरे बिना गुजरात टाइटंस जीत नहीं सकता, तो वो जीत के दिखा दिया। और छपरी भी बोला, जो बड़ोड़ा का जो भाई था उन्होंने, और हार्दिक पंड्या भी बड़ोड़ा के है, ठीक है,
तो थोड़ी बहुत फैन को नाराजगी हुई है रोहित शर्मा की वजह से, क्योंकि रोहित शर्मा जो थे भारतीय टीम के कप्तान हैं और वर्ल्ड कप भी खेले, हाँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उसको एज ए कप्तान के तौर पे टीम हैंडलिंग का, और रोहित शर्मा को कप्तान की एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके सामने हार्दिक पांड्या तो बहुत उसके नीचे ही समझ लो, उसका बहुत कम एक्सपीरियंस है बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस क्रिकेट का दोनों का एक समान समझ सकते हैं, कैप्टनसी का, कैप्टन कप्तान का जो एक्सपीरियंस है। देखो यहाँ पे हमें समझना चाहिए, जब विराट कोहली कप्तान थे उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, लेकिन जो विराट कोहली ने जो निभाया मतलब कप्तानशिप गए उसके बाद भी एज अ प्लेयर जो विराट कोहली ने जो बर्ताव किया है रोहित शर्मा, वो हार्दिक पांड्या क्यों नहीं कर सकते? आपने देखा होगा विराट जो है वह विराट की तरह ही खेलता है, उसको कोई किसी के साथ कुछ नाराजगी नहीं है, हालांकि कप्तान से जाने के उसके भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं। हाँ। तो देखो ये पूरा जो मैच है आईपीएल है ये सभी बिजनेस है, पैसों का खेल है, तो फैन लोग जो है उसको इतना नाराज मत होना होना चाहिए। रीजन आपकी हेल्थ पीट भाई, हेल्थ का भी ध्यान रखो, आपको सुबह काम पे भी जाना होता है, फैमिली का भी सोचो, ये सब कुछ भी सोचना जरूरी है, लेकिन हाँ नाराजगी भाई थोड़ी बहुत तो बनती है, इसमें मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नाराज नहीं भी होना, जो भी हो थोड़ी बहुत फैन है भाई, मुंबई इंडियन के फैन होंगे हाँ, थोड़ी नाराजगी बने फैन होंगे। वैसे पहले मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक मतलब ये रोहित शर्मा था और उसका अभी ये हार्दिक पांड्या हो गया और ये सब हुआ तो फिर फैन मतलब ज्यादा नाराज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बता दीजिए कि आप किसके फैन है वो भी कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।